अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नूर अंबर और आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूं। तो हमारी आज की वीडियो है कि क्या हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बेबी जेंडर प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो कुछ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए तो हम बेबी जेंडर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर अल्ट्रासाउंड में बेबी जेंडर नहीं मेंशन होता। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैंने कुछ अपने अल्ट्रासाउंड हैं, कुछ अपने सिस्टर के हैं और कुछ फ्रेंड्स के हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड है ये मेरी फ्रेंड का है और इसी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही मैंने उसको बताया था कि उसकी बेबी गर्ल है। तो अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हैं कि एफ़ लिखा हुआ है और इसी एफ से ही हमें कंफर्म हुआ था कि उसकी बेबी गर्ल है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ये एक्सिस का होता है। तो वो जो एक्सिस का होता है वो जहाँ पे होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखें, ये आगे चार्ट है और इसमें बेबी की लेंथ वगैरह सब मेजर है। ये एक और चार्ट है, इसमें भी आप ऊपर देख सकते हैं कि एफ़ लिखा हुआ है। तो इसी एफ से ही हमें मालूम हुआ था कि उनकी बेबी गर्ल है। ये मेरी दूसरी फ्रेंड का अल्ट्रासाउंड है और इसमें देखें वाई लिखा हुआ है, तो इसको बेबी बॉय हुआ है। तो इसी वाई से ही हमने प्रिडिक्ट किया था कि इसका बेबी बॉय है। ये देखें, इसके भी तीन ही अल्ट्रासाउंड है और तीनों में मेंशन है वाई। ऊपर चार्ट भी है, जो ग्राफ में भी है और चार्ट में भी है, लेकिन ऊपर ग्राफ में मेंशन नहीं है। अगर ये वाई मतलब अगर ग्राफ का होता तो फिर ग्राफ में भी मेंशन होता। तो ये मेरे अपने बेटे का अल्ट्रासाउंड है, इसमें ओ बी लिखा हुआ है /GY1। तो ओ बी मीन ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स में ये ऑब्स्टेट्रिक्स ऐसी जगह या प्लेस को कहते हैं जहाँ पे हमल और हमल के तमाम मराइल से मुतलिक और विलादत से मुतलिक मालूमात दी जाती है। जबकि जी वाई जो लिखा हुआ है इसका मतलब है जी वाई गायनी, और गायनी में सिर्फ वो ख़वातीन नहीं होती जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, बल्कि इसके अलावा भी जिन ख़वातीन को अगर यूट्रस वगैरह से कोई मुतलिक कोई प्रॉब्लम है तो वो भी गायनी में ही आती हैं। और गायनी में जहाँ पे उनका GY1 की बजाय उनका GYN लिखा होता है जो प्रेग्नेंट नहीं होती है। जबकि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं अगर वो बेबी बॉय कैरी कर रही हैं तो उनका यहाँ पे GY1 लिखा होता है, और अगर बेबी गर्ल कैरी कर रही हैं तो उनका यहाँ पे GY2 लिखा होता है। ये मेरा एक और अल्ट्रासाउंड है, इसी हॉस्पिटल का है, इसमें भी ओ बी /GY1 लिखा हुआ है और ये डबल अल्ट्रासाउंड है। एक अल्ट्रासाउंड के अंदर डबल अल्ट्रासाउंड है। ये मेरा दूसरे हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड है और इसमें कहीं पर भी मैंशन नहीं है, ना एफ़ मैंशन है ना वाई मैंशन है, नेम का खाना बिल्कुल ही खाली है। तो इसमें उन्होंने बेबी जो है वो नहीं मेंशन किया कि बेबी गर्ल है या बॉय है। और रिपोर्ट के अंदर सेक्स मेंशन है जिस पे बेबी गर्ल का साइन बना हुआ है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि इसमें जो ये बेबी गर्ल का साइन बना हुआ है या जहाँ पे लिखा होता है सेक्स फीमेल, तो वो इसे बेबी का साइन समझ रहे होते हैं। हालाँकि ये बेबी का साइन नहीं होता, ये पेशेंट का साइन होता है। ये जो आपकी पेशेंट है वो मेल है या फीमेल है, तो ये पेशेंट साइंड होता है। बहुत से केसेस में जेंट्स का भी अल्ट्रासाउंड होता है, तो फिर यहाँ पे जो सेक्स है वो जब जेंट्स का होता है तो यहाँ पे या फिर या मेल लिखा होता है या फिर साइन बना होता है। ये मेरी सिस्टर का अल्ट्रासाउंड है, ये भी हमने किसी और हॉस्पिटल से करवाया हुआ है। तो ये सिस्टर के फुल पार्ट्स बेबी पार्ट्स का अल्ट्रासाउंड है, तो इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है सेक्स के मेल है या फीमेल है। तो जो लोग कह रहे हैं कि एक्सिस का यहाँ पे वाई या एफ़ लिखा होता है तो वो एक्सिस का नहीं होता, वो ये लिखा होता है, ये देखें वी लिखा हुआ है, वो अल्ट्रासाउंड के साथ ही लिखा होता है, ऊपर जाके मेंशन नहीं होता। ये देखें साथ ही लिखा हुआ है वी, एक्सिस का जो होता है एक्स या वाई या जो भी वो लिखते हैं। तो हार्ट बीट उन्होंने बताई हुई है कि पॉजिटिव है। या ना सिर्फ आपको प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बल्कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले भी बेबी जेंडर
बता देते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो खुद से भी। लेकिन उसके बाद ये है कि अगर आप, मैं इसलिए डीएनसी करवाना चाहते हैं कि आपकी बेबी गर्ल है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता, बगैर किसी ऑथेंटिक रीज़न के वो आपकी डीएनसी नहीं करते हैं। तो ये मेरी सिस्टर का एक और अल्ट्रासाउंड है, ऑब्स्टेट्रिक्स 1 है, OB1 है, और ये देखें नेम एफ है। इट्स मीन कि ये बेबी गर्ल है और मेरी सिस्टर को बेबी गर्ल ही हुई है। तो इसी ऐप से ही हमें मालूम हो गया था कि मेरी सिस्टर की बेबी गर्ल है। तो ये कंटोनामेंट हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड है, कंटोनामेंट जनरल हॉस्पिटल, स्टेटस एज के बारे में, अल्ट्रासाउंड एज, गेस्टेशनल एज, अल्ट्रासाउंड गेस्टेशनल एज है 24 वीक 2 डेज 21, और अल्ट्रासाउंड के मुताबिक एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है 11/3/2001। तो ये एक और अल्ट्रासाउंड है, ये मैंने हॉस्पिटल से लिया है। तो जिन लेडी का ये अल्ट्रासाउंड है, उनकी बेबी की हार्ट बीट ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो डीएनसी के लिए आई हुई थी। तो उनको तो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि ये जो अल्ट्रासाउंड है उनकी बेबी गर्ल का है। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।